Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the classes of plant hormone. जो plant hormones होते हैं वो plant की growth को regulate करते हैं और साथ में जो है इनका काम क्या होता है कि ये tissue culture में use किए जाते हैं. Tissue culture जिसमें कि हम plants को laboratory में grow करवाते हैं तो root and shoot formation के लिए हमें इन plant hormones की need होती है. तो पहला हार्मोन हम डिस्कस करते हैं जो कि है ऑक्सिन. जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है और ये रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है. साथ में ये सेल ग्रोथ करता है एंड एक्सपेंशन करता है एंड इलोंगेशन कर रहा होता है एंड प्रमोट करता है ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज को. जैसा कि फिगर में भी दिखा रखा है ऑक्सिन के सामने कि रूट्स की फॉर्मेशन रूट दिखा रखी है तो रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अगर हम इस हार्मोन की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें अगर हम मीडिया के अंदर हाई ऑक्सिन अमाउंट रखते हैं तो वो शूट रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो रूट्स बनती हैं. देन सेकेंड आता है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन का काम होता है कि ये शूट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है. साथ में जो लेटरल ब्रड की ग्रोथ होती है और जो लीफ का एक्सपेंशन होता है उसको भी ये प्रमोट करता है. और जो लीफ सेनिसेंस होती है जिसकी वजह से जो पूरा मतलब ग्रोथ रुक जाती है तो उसको ये डिले करता है. तो प्लांट टिश्यू कल्चर में इस हार्मोन का भी रोल होता है. अगर हम मीडिया के अंदर साइटोकाइनिन का अमाउंट हाई रखते हैं तो हमारा जो प्लांट होगा उसमें मतलब जो हम नेक्स्ट प्लांट रखा होता है टिश्यू पे मीडिया पे तो वो जो है हमारा शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. तो इस तरह से ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है इनकी रेशो के अकॉर्डिंग जो है रूट एंड शूट फॉर्मेशन होती है. देन जिबरेलिन. जिबरेलिन क्या करता है, स्टेम की इलोंगेशन करता है. जैसा फिगर में भी दिखा रखा है तो स्टेम इलोंगेट हो रही है. इसके अलावा ये फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है, यानी फ्लावर्स जब बनते हैं तब जिबरेलिन का मेन रोल होता है एंड सीड की जर्मिनेशन में भी जिबरेलिन जो है रोल प्ले करता है. देन हमारा आता है इथाइलिन. हम सबको पता है इसको हम राइपनिंग हार्मोन भी बोलते हैं और फ्रूट राइपनिंग को ये प्रमोट करता है. जितने भी फ्रूट्स हैं वो अगर राइपन्ड होते हैं तो वो इथाइलिन की वजह से ही होते हैं. इसके अलावा इसका जो काम होता है, जब भी कोई प्लांट को स्ट्रेस होती है, चाहे वो ड्राउट हो, सॉल्ट हो या फिर फ्लड कंडीशंस हो, ये सब स्ट्रेस होती हैं तो या इंजरी होती है तो उस टाइम पे ये जो हमारा हार्मोन है प्लांट ग्रोथ हार्मोन ये रिस्पॉन्ड करता है. साथ में ये लीफ सेनिसेंस को भी ट्रिगर करता है. देन फिफ्थ हार्मोन है एब्सेसिक एसिड. इसका काम होता है सीड जर्मिनेशन को रेगुलेट करके रखना. साथ में ये वाटर स्ट्रेस में भी मॉड्यूलेट करता है. वो कैसे कि जब भी कोई वाटर स्ट्रेस होगी, ड्राउट कंडीशंस होंगी तो एब्सेसिक एसिड भी जो है रिलीज हो जाएगा और ये जो है मेनली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा होता है. एंड इसका और क्या फंक्शन है कि ये लीफ एब्सेशन करता है एंड सेनिसेंस में मॉड्यूलेशन करता है. तो ये जो पांच ग्रोथ हार्मोन है ये प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. विदाउट दीज हार्मोन्स प्लांट डू नॉट ग्रो एंड उनके अंदर डेवलपमेंट्स नहीं होंगी अच्छे से, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, स्टेम अच्छे से नहीं बनेगी, इलोंगेशन नहीं होगा. तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं उसमें ये प्लांट हार्मोन्स का मेन रोल होता है. और अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो दो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन हो जाते हैं जो रूट और शूट बनाने में हेल्प करेंगे, वो है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी.